आज हम जा रहे हैं कहीं दूर। उसने पूरा लेट करा दिया, अभी इससे होगी व्लॉगिंग। मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं कहीं दूर और जा रहा हूँ अकेला सिंगल। यहाँ से 125 किलोमीटर्स होगा, सोलो राइड होगा। आज बहुत एनर्जी आ रही है इसलिए जा रहा हूँ। और प्लानिंग तो था डुओ करने का, लेकिन एक दिन से ज़्यादा लगेगा इसलिए कोई जाना नहीं चाहता। तो चलिए व्लॉग का आनंद लीजिए। गाइस वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है पीछे। और इस वाले वेदर में जाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और हेलमेट पहन लिया है फॉर सेफ्टी पर्पसेस, हेलमेट पहन लिया है और ग्लव्स है और अच्छी ग्रिपनेस। और हमारे साइकिल में एक छाता ले लिया है ताकि अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब जैसे बारिश गिर गई, तो उस समय काम आएगा। इस क्रॉस डांगाईगांव और ऊपर जो है सन, बहुत गदर धूप मची हुई है। और आगे चलते हैं। बॉस के इसने पूरा लेट करा दिया, बहुत ज़्यादा लेट करा दिया, 10 मिनट लेट हुआ अभी। अभी इससे होगी व्लॉगिंग तगड़ी वाली। बस आप लोग सपोर्ट करना, इसी की कामना है। और अपने बाल बाल कटा लो, बहुत लंबे हो चुके हैं भाई। बहुत मतलब अकेले कर रहा है राइड इतनी दूर 300 किलोमीटर साइकिल से, छोटी बात नहीं है भाई, सपोर्ट करो इसको। और मेरा तो पूरा नींद से मतलब उठ के आया हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब क्या ही बताएं। तो गाइस अभी चलते हैं आगे और बाय, फिर मिलेंगे, आने के टाइम मिलते हैं। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं। गाइस अभी अभयपुरी में ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी अभयपुरी क्रॉस करने वाला हूँ, मतलब रेल लाइन। और खूब देखिए, जरा धूप को देखिए कितना है कि नहीं पता नहीं, बहुत ज़्यादा हो रही है धूप। यहाँ के रास्ते बड़े अच्छे हैं और आप सबने तो आगे तो देख ही लिया होगा पहले ही, पहले वाले व्लॉग में ये रास्ते। यहाँ के जो रास्ते हैं ना, उन्होंने पूरा दिल जीत लिया है। इतना स्मूथली जा रहा हूँ और पूरा सुनसान रास्ता है। गाइस नज़ारों को चेक कीजिए। और अभी थोड़ी सी धूप कम चुकी है। सबला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब, तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैं नो छड़े लानी ओनी तेरी। गाइस फर्स्ट 50 किलोमीटर हो गया है कवर और आगे और 70 किलोमीटर है। सेकेंड टाइम जोगीघाट मिल गया, मतलब पहले एक बार आया था ना, अभी सेकेंड टाइम। और ये वाली चढ़ाई तो बहुत ही मुश्किल है। गाइस फाइनली जोगीघाट इज हियर। और वो देखिए आगे, और वहाँ पे है ब्रह्मपुत्र। बहुत थकान हो रही है, गर्मी भी लग रही है और आई थिंक 40 किलोमीटर्स कवर करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे।
जोगी खोपा पार करते ही इतना मतलब जोगी खोपा पार करते ही ग्वालपारा पड़ जाता है, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। और आगे 50 किलोमीटर्स और है, मैं 40 किलोमीटर सोच रहा था लेकिन 50 किलोमीटर्स है, तो कोई नहीं वो भी कर लेंगे हम बहुत जल्दी। गाइस वहाँ पे है ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे रास्ता मतलब ब्रह्मपुत्र के साइड साइड से जा रहे हैं, जा रहा हूँ मैं। और फाइनली बहुत टाइम के बाद पहुंच चुका हूँ और ये हमारे साइकिल है। सो गाइस अभी खाना वाना खा के हेलिना दीदी और मैं घूमने आए थे थोड़ा सा हेलो करती है। हेलो। तक आपने राखी भी नहीं दी, तो घर जाके दूंगी ना। हाँ और गाइस चेक द नज़ारे, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब क्या ही बोले। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहुत दूर ट्रेवल करके आ चुका हूँ, तो आगे पता नहीं व्लॉग कंटिन्यू होगा कि नहीं। गाइस अभी हो चुकी है रात और अभी हम हैं हेलिना दीदी के रूम में। और ये पुडिप, इसको कुछ पहचाना लगता है क्या? ये वाला, इसका नाम है टाइगर। अभी ये पोल्लो आ चुका है और उससे मिलते ही। गाइस रात हो चुकी है और ये देखो दिन भर रुका, उसके बाद अभी आ रहा है। सॉरी बोलो। सॉरी। अभी रील्स देखेगा, बात नहीं करेगा। तो गाइस इस वाले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन बी सेफ।